So welcome to history class 12th. Students, in last video we have discussed about the fortification of Vijayanagar Empire. Now we will discuss the urban core. So के विजयनगर एम्पायर जो था वो दीवारों में बंधा हुआ था. सात दीवारों के बारे में जिक्र किया है. तो देखिए अर्बन कोर में क्या था, मतलब जो सबसे अंदर था, शहर था जो, उसमें क्या था. तो मूविंग अलोंग द रोड लीडिंग टू द अर्बन कोर देर इज रिलेटिव लिटिल आर्कियोलॉजी एविडेंस ऑफ हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. यहाँ पर आम लोगों के घर बहुत कम थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट फाइन चाइनीज पोर्सिलिन एंड सम एरियाज इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर एंड सजेस्टेड दीज आर मे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच ट्रेडर्स. सो ऐसा है कि जो ये पोर्सिलिन की बात कर रहे हैं, चाइनीज पोर्सिलिन काफ़ी महंगा होता है, इम्पोर्ट किया जाता है, तो आम आदमी तो नहीं खरीद सकते. तो इसकी वजह से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो अर्बन कोर थी उसमें रिच लोग रहते थे, रिच ट्रेडर्स. सो और क्या था इसमें, दिस वाज आल्सो मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, टॉम्स एंड मॉस्क्यूज लोकेटेड. यहाँ पर टॉम्स और मॉस्क्यूज भी थे, तो मतलब शायद वो विदेशी जो लोग आते थे, व्यापारी जो अरेबियंस आते थे, शायद उनके ये टाउन्स थे, उनके रहने के स्थान थे, रेजिडेंशियल क्वार्टर थे. येट देयर आर्किटेक्चर रिजेंबल दैट ऑफ द मंडपास फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी. जो टॉम्स एंड मॉस्क्यूज मिले, इनके जो स्ट्रक्चर थे ये मंदिर के मंडप की तरह लगते थे, जो हम्पी रीजन में मंदिर पाए जाते थे. मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन थी मॉस्क्यूज की, ये प्रभावित हुई थी इंडियन स्ट्रक्चर साइड से. दिस इज हाउ 16th सेंचुरी पोर्टुगीज ट्रेवलर बारबोसा डिस्क्राइब हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच वॉज नॉट सर्वाइव्ड. तो हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बारबोसा डिस्क्राइब करते हैं, ये पुर्तगाली है, पुर्तगाल से आया था. वो बताता है कि आम बंदे का हाउस कैसा था, जो कि अब तो नहीं सर्वाइव कर रहा लेकिन उसके बारे में तब उसने देखा और लिखा. द अदर हाउस ऑफ द पीपल आर अटैच्ड बट नॉनदलेसली वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मैनी ओपन प्लेसेस. तो कहता है कि घर जो थे अच्छे बने हुए थे, जिसका जो ऑक्यूपेशन था उसके अकॉर्डिंग बने हुए थे. फील्ड सर्वे हुआ, फील्ड सर्वे में क्या है, इंडिकेट दैट द एंटायर एरिया वॉज डॉटेड विद न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स पॉइंटिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कल्ट्स परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज. तो जब फील्ड की यात्रा की, सर्वे किया गया, तो वहाँ पाए गए छोटे छोटे मंदिर, जिसका मतलब अलग अलग कम्युनिटीज अपने अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे. द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट दैट वेल रेन वाटर वेल्स रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स मे हैव सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स. आम लोगों के जो रहने के, जो जीवन यापन के लिए पानी की जरूरत होती थी, वो ये चीज़ें पूरी करती थी. अब आ गया रॉयल सेंटर. शहर के अंदर होता था ये रॉयल सेंटर. रॉयल सेंटर में क्या कुछ था, रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट और इसमें 60 टेम्पल हैं. पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स एंड कल्ट्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर रूलर्स हु वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश लेजिटिमाइज एंड देयर अथॉरिटी थ्रू द एसोसिएशन विद द डिविनिटी हाउसेस हाउस्ड इन द श्राइन. तो जो ये राजा थे, ये भगवान को काफ़ी मानते थे, उनके साथ एसोसिएशन बनाने के लिए, मतलब उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ये बहुत सारे मंदिर बनाते थे. अबाउट 30 बिल्डिंग्स कम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेस. 60 में से 30 बिल्डिंग तो जो वो पैलेस हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं एसोसिएटेड विद
ritual function. Difference between these structures and temple is that the latter were constructed entirely of masonry. तो क्या difference था? अच्छी मैसनरी, मतलब मिस्त्री होते हैं मैसनरी, उन्होंने बनाए थे, उनमें पत्थरों का यूज़ ज़्यादा हुआ था, लेकिन जो बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर थे उनमें पेरिशेबल मटेरियल भी यूज़ हुआ। पेरिशेबल का मतलब होता है वो मटेरियल जो जल्दी से ख़राब हो जाता है। इन्हीं में से था एक महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या था? इच स्ट्रक्चर्स इन एरिया हैव बीन असाइंड नेम बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज देयर फंक्शन। सो द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर बट हैज नॉट यील्डेड डिस्टिंक्टिव एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस। तो किंग्स पैलेस है, वहाँ पर एक नाम दिए गए, वैसे उनके ऊपर नाम नहीं लिखे हुए थे लेकिन हिस्टोरियंस ने उनको नाम दिए। तो किंग्स पैलेस है, काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना डिस्टिंक्टिव नहीं है जितना कि ये है। कौन सा? देखो, किंग्स पैलेस में दो चीज़ें हैं। इट हैज़ टू मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म यूजली कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा। इस पैलेस में, किंग्स पैलेस में ये दो चीज़ें थी, ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा। सारे का सारा जो स्ट्रक्चर था ये डबल वॉल विद स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, दो वॉल थी, बीच में स्ट्रीट थी, उसके साथ से प्रोटेक्टेड था ये जगह। मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड था कि कोई भी विदाउट परमिशन फोर्सफुली एंटर ना कर सके। ऑडियंस हॉल इज हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स ऑफ वुडन पिलर एट क्लोजर एंड रेगुलर इंटरवल्स। देखो, जो ऑडियंस हॉल था काफ़ी बड़ा था, इसमें वुड के पिलर लगे थे, अब तो नहीं है लेकिन जो एविडेंस है वो बताते हैं कि यहाँ पर पिलर थे। इट हैड स्टेयरकेस गोइंग अप टू अ सेकेंड फ्लोर। क्योंकि ये लकड़ी के पिलर थे, लकड़ी के पिलर टूट गए होंगे तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चलता, लेकिन स्टेयर्स बनी हुई हैं। स्टेयरकेस बताती है कि सेकेंड फ्लोर भी था इसका। तो जो ऑडियंस हॉल था इसका सेकेंड फ्लोर भी था। पिलर बीइंग क्लोजली स्पेस्ड अलोंग विद हैव अलोंग स्पेस्ड वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर वट द हॉल वॉज यूज फॉर। अब ये पिल्लर जो लगे थोड़ी थोड़ी जगह पर लगे हुए थे, इसका मतलब बैठने की जगह कम थी। पता नहीं अब ये किस मोटिव के लिए यूज़ किया जाता होगा। दूसरा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा भी एक मासिव स्ट्रक्चर है, 11,000 स्क्वेयर फुट का इसका सिर्फ बेस है और इसकी हाइट 40 फीट तक की है। देर इज़ एविडेंस दैट सपोर्टेड द वुडन स्ट्रक्चर। और यहाँ भी कहते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर था लेकिन अब नहीं है क्योंकि ख़राब हो गया, पेरिशेबल होता है ना, ख़राब हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद। रिचुअल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रोबेबली कंसीडर महानवमी डिब्बा। देखो, यहाँ पर महानवमी डिब्बा में क्या कुछ होता होगा, क्योंकि महानवमी डिब्बा में कोई रिचुअल होता होगा, जैसे महानवमी ये हिंदू फेस्टिवल है, 10 डे फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटोमन मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, ये यहाँ पर परफॉर्म किया जाता होगा। दशहरा के टाइम में दुर्गा पूजा यहाँ होती होगी और ये जो काम प्रोसीजर्स हैं यहाँ फॉलो किए जाते होंगे। ये महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर बताया गया जी। नवरात्रि और महानवमी यहाँ पर मनाए जाते होंगे, इसी वजह से इसका नाम महानवमी डिब्बा रखा गया है। द विजयनगरा किंग डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज पावर एंड सर्जेंटी ऑन दिस ओकेजन। अपनी पावर को दिखाने का यही एक मौका होता है महानवमी डिब्बा के फंक्शन के ऊपर। सेरेमनीज परफॉर्म कौन कौन सी की जाती थी इसमें? होती थी इमेज वर्शिप, इमेज वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ बफेलो एंड अदर एनिमल्स। तो वर्शिप की होती थी इमेज की, स्टेट हॉर्स की और किसी बफेलो की या किसी और एनिमल की बलि देकर। डांस होता था, रेसलिंग मैच होते थे, प्रोसेशन ऑफ कैप्रिजन्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड सोल्जर्स। मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ पर 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं,
उस टाइम वहाँ पर विजयनगर एम्पायर में उस टाइम वहाँ पर ये सब कुछ मनाया जाता होगा, राजा के सामने से निकलने वाला काम, एज वेल एज रिचुअल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकास। अब चीफ नायकास कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे, प्रेजेंटेशंस भी करते थे, और किसके सामने करते थे, राजा के सामने और गेस्ट के सामने। दीज सेरेमनीज वर इम्ब्यूड विद सिम्बॉलिक मीनिंग। ये सिम्बॉलिक मीनिंग के साथ साथ ये भी था कि लास्ट डे के फेस्टिवल में किंग इंस्पेक्टेड द आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ नायका, अपनी आर्मी और नायका की आर्मी को इंस्पेक्ट करता था राजा, तो ये ऑफिशियल पर्पस के लिए भी इकट्ठे करता था। इसी वजह से नायकास जो थे गिफ्ट लेके आते थे राजा को खुश करने के लिए। तो ये महानवमी डिब्बा जो था, वाज द महानवमी डिब्बा स्टैंड फॉर टुडे सेंटर ऑफ द सेलिब्रेट। स्कॉलर हैव पॉइंटेड आउट दैट दिस स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव एनी बीन एडिक्वेट फॉर इलेबोरेट प्रोसेशन ऑफ आर्म्ड मैन वुमेन एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर इन रिमेन एनिग्मा। अब महानवमी डिब्बा के बारे में हमने थोड़ा बहुत पता किया है, लेकिन इतना नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला है। तो ये कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।